नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। इन दिनों जनपद ललितपुर पुलिस अपनी कार्यशैली को लेकर काफी चर्चाओं में है। जनपद के कई थानों से पुलिस द्वारा फरियादियों के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक आरोप महिलाओं ने ग्रार थाना पुलिस पर लगाया है। इसकी निष्पक्ष जांच दूसरी तहसील के पुलिस अधिकारियों द्वारा कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन अपर पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा फरियादियों को दिया गया है। आपको बताते चलें कि आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय ललितपुर में दिए गए प्रार्थना पत्र में ग्राम हनुमतगढ़ थाना ग्रार तहसील मड़ावरा निवासी श्रीमती तेजा पत्नी राम मिलन, श्रीमती कमलावती पत्नी मनसुखी, श्रीमती सुनीता पत्नी बंधु, श्रीमती भूरी पत्नी गोपी ने थाना ग्रार पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनका विवाद विपक्षी गणों से हो गया था, जिसकी शिकायत दर्ज कराने फरियादी गण 17 अक्टूबर को ग्रार थाने में पहुंचे थे। जब थाने में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो 22 अक्टूबर को फरियादी गण अपनी शिकायत लेकर उपजिला अधिकारी मड़ावरा के पास पहुंचे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ललितपुर के कार्यालय में उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जहां आश्वासन तो मिला लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित पक्ष ने प्रार्थना पत्र में बताया कि 27 अक्टूबर को उनके घर रात 11:30 बजे ग्रार पुलिस सादा वर्दी में आई और घर की महिलाओं से थाने चलने की बात कहने लगी। महिलाओं ने रात में जब थाने जाने से मना कर दिया तो पुलिस के लोगों द्वारा गाली गलौज की गई और 28 अक्टूबर को सुबह आने के लिए कहा। जब पीड़ित पक्ष 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे थाना ग्रार पहुंचा तो वहां पुलिस द्वारा उन पर विपक्षियों के साथ राजीनामा करने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर पुलिस ने पीड़ित पक्ष के साथ जमकर मारपीट कर दी और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली तथा यह भी कहा कि तुम लोगों ने उच्च अधिकारियों से हमारी शिकायत की है, वे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस घटना के उपरांत 1 नवंबर को क्षेत्राधिकारी मेहरौनी द्वारा पीड़ित पक्ष को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़ित पक्ष ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अपर पुलिस अधीक्षक ललितपुर ने पीड़ित पक्ष को आश्वासन देते हुए कहा कि जनपद ललितपुर की दूसरी तहसील के पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। मेरा नाम कुंवरलाल गौतम है और जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। क्या समस्या लेके आओ, क्या मामला? सर, मामला ये हनुमतगढ़ ग्राम का जो थाना ग्रार के अंतर्गत आता है, उस ग्राम में एक घरेलू मामले में दलित समाज में लड़ाई हुई थी। उस मामले में ये लोग थाना इंचार्ज से मिलने गए ग्रार, तो वहाँ पे जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई तो ये जो है महिलाएं यहाँ एसपी ऑफिस आई। दूसरे दिन यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन फिर से दूसरे दिन विपक्षियों ने इनका मकान गिरा दिया। फिर ये थाना गए तो थाने जाने के बाद इनको जो है वहाँ पीटा गया थाना इंचार्ज द्वारा और जो लेडीज कांस्टेबल द्वारा और भी जो कांस्टेबल थे उन लोगों द्वारा। जब हम लोग 1 तारीख को थाना ग्रार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मिशन सुरक्षा परिषद के लोग थाना गए, वहाँ पे थाना इंचार्ज साहब से मिले, सीओ साहब आए तुरंत और उनसे बात हुई। सीओ साहब को हमने प्रार्थना पत्र दिया कि साहब जो मारा गया है हमें न्याय चाहिए। सीओ साहब ने कहा कि हम जो है इसकी जाँच करके आप लोगों को न्याय देंगे, लेकिन जो है कल फिर इन लोगों पर दबाव बनाया गया कि आप लोग बयान बदल दीजिए कि पुलिस ने नहीं मारा, दूसरे पक्ष ने मारा है। तो ये लोगों का रात में फ़ोन आया तो फिर से भीम आर्मी एएसपी और मिशन सुरक्षा परिषद के लोग आज हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए हैं और यहाँ न्याय की गुहार लगाने आए हैं कि आप जो है जो दलितों जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया है पुलिस द्वारा उसकी जो है सही न्यायिक जाँच हो। हमारी सिर्फ 2 मांगें हैं। एक तो ये है कि जो पुलिस द्वारा मारा गया है उन पर SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो। दूसरी हमारी मांग ये है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, थाने के जितने भी अधिकारी हैं। विपक्षी पार्टी वो कौन है? वो भी पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामले में परिवार गांव के हैं जो है, पर जमीन का मामला था। उस मामले में ये मामला था, जमीन का बारा था। जमीन मतलब नपी है, जमीन हमारी है। वो जमीन कानिगो ने पटवाई ने पैसा ले लिए। नंबर 2 में मोबाइल द्वारा जमीन भी नापी है। जमीन नापने के बाद पटवारी बोल रहे आप भी जहाँ भी जा सकते हो जाओ। हम लोगों ने बोली नहीं, इतना नहीं करो, आप न्याय की पंचायत करो।
पुलिस वाले बोले आपके पास पैसा है, आप पैसा दिए, आपका भी फैसला हो जाए। हम लोगों ने बोली नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। हम लोगों से बोले आपको जहाँ जाने चले जाओ। हम लोगों ने लेतपुर आके कार्रवाई की, कार्रवाई पे पुलिस चिढ़ गई गिरार थाने की। वहाँ पे गए हम लोगों के पास कच्ची वर्दी में, शाम को लेतपुर से गए उस दिन। तम लोगों से बोल रहे आप गिरार थाने आना। हम लोगों ने गई नहीं, अभी नहीं जा रहे। बोल रहे अभी क्यों नहीं जा रहे? हमने कि नहीं अभी रात है, नहीं जाएंगे। औरतें ही औरतें हैं। बोल रहे सुबह आप लोग थाने आना। हम लोगों को थाने बुलाया, हम लोग गए वहाँ पे, गए हम कि यहाँ से आप कार्रवाई करो हम लोगों की। बोल रहे यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होएगा। बोल रहा क्यों नहीं होएगा? तो बोले नहीं यहाँ पे कोई कार्रवाई ना है, आप जहाँ चार भी चले जाओ, आप कप्तान के बाप के पास भी चले जाओ, यहाँ पे कोई कार्रवाई ना। तो हम लोगों के लिए पाया से बांध के हम लोगों के लिए पट्टों की मार दी। कहाँ पर आपको बांध के मारा? आपने कहा थाने के अंदर, क्या है पूरा मामला? देखिए इस संबंध में थाना गिरार हनुमतगढ़ गांव के तेजा नामक जो लेडी हैं उनके साथ तीन महिलाएँ और हैं। उनका ये कहना है कि मुझे मेरा जहाँ पे झगड़ा हुआ था गांव में, उसके बाद थाने पे उनको मारा पीटा गया है, ऐसा उनके द्वारा आरोपित किया गया है। इस संबंध में इनका 28 तारीख को ऑलरेडी एक मेडिकल हो चुका है सबका। और दूसरा, चूँकि ये गंभीर एक आरोप है, इस संबंध में DMSP साहब के द्वारा ये बताया गया है कि दूसरी तहसील के जहाँ पर ये गांव है, उस थाने, उस सर्किल से अलग CO और उस तहसील से अलग SDM के द्वारा ज्वाइंट रूप से जांच की जाएगी। और जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे या जो भी तथ्य निकलता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।